नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों की क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं अपनी जो लास्ट मेरी वीडियो थी ना उसमें कम्प्लीट कर चुका था। आज जो हम कम्प्लीट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कम्प्लीट करेंगे, ठीक है? चलिए तो फिर आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज बेटा हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर एफ आर प्लस से टू फोर टू इंफिनिटी। यानी यहां पर हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है, सेट से, और हमारे एक इंटरवल को बता दिया। यानी आप ये कह सकते हो कि 4 से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं सब ले लिए हैं इसमें, ठीक है? गिवन बाय एफ एक्स फंक्शन दिखा रखा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और हमें शो करना है एफ इज इन्वर्टिबल, एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है वो हमें शो करना है, ठीक है ना? और हमें ये कह रहा है कि विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय, और हमें इसका क्या करना है, एक इनवर्स निकालना है, और जो इनवर्स है वो इस तरह से गिवन है, ठीक है? यहां पर ये भी बता दिया है कि आर प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, या कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है, तो वो बता दिया गया है। तो चलिए फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उसने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझसे कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है इन्वर्टिबल, यानी मुझे पहले इसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है। बेटा अगर इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो इसका मतलब मुझे पहले इसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी यानी इसको का बाइजेक्टिव होना चेक करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी इंजेक्टिविटी से पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। तो फंक्शन है मेरा आर पॉजिटिव से लेके 4 टू इन्फिनिटी गिवन बाय, और फंक्शन है मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ध्यान रखना हमें फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है, ठीक है? तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो इंजेक्टिविटी के लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव सच दैट दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अब अगर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 4, इससे ये इंप्लाई हो रहा है, और इससे ये इंप्लाई हो जाएगा कि ए इक्वल्स टू किसके है, बी के। सो एफ इज 1 1, ठीक है बेटा? जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, आप लोगों को सॉल्व करना आता है, मैंने कई बार करा रखा है, ठीक है? अब हम इसकी चेक करेंगे सर्जेक्टिविटी। चलिए सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट कर रहे हैं वाई हमारा बिलोंग कर रहा है को डोमेन से, ठीक है ना, और एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है डोमेन से, और वो इस तरह से बिलोंग कर रहा है कि जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, वाई, ठीक है बेटा? ओके, तो यहां पर अब हम इस क्वेश्चन को, एफ एक्स कितना था बेटा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इक्वल्स टू वाई, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 4 और एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर वाई माइनस 4। तो मैं इसको चेक करता हूं, स्क्वायर रूट के अंदर वाई माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अब जो स्क्वायर रूट के अंदर वाई माइनस 4 है इसकी स्क्वायर और प्लस 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अब ये इक्वल्स टू वाई आ चुका है। अगर ये इक्वल्स टू वाई आ चुका है तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या कह सकता हूं, दस एफ एक्स इज इन्वर्टिबल कह सकता हूं बेटा। अगर मैं इसको इन्वर्टिबल कह सकता हूं तो इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। हमें पता है कि एफ एक्स किसके इक्वल्स टू है, वाई के, तो इससे क्या इंप्लाई हो रहा है कि एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल होगा, एक्स के, ठीक है?
अब अगर इस कंडीशन में देखूं तो f इनवर्स y और x की वैल्यू क्या आई थी, ध्यान से देखो ये यहां पर आपकी वैल्यू आई हुई है, तो दैट विल बी y माइनस 4, ठीक है। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर मैं f इनवर्स x देखूं तो मैं उसको लिख सकता हूं x माइनस 4, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो चुका है बेटा सॉल्व कंप्लीटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कंसीडर, हमें एक फंक्शन दिखाया गया है, अगेन वो फिर वही आर प्लस दिखाया गया, यानी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात कर रहा है, और जो हमारा को डोमेन है वो जा रहा है माइनस फाइव से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है ना, यानी माइनस फाइव से शुरू करेगा और इंफिनिटी तक जाएगा। बेटा इंफिनिटी के बारे में बता दूं, इंफिनिटी जस्ट अ सिंबल, इंफिनिटी कोई भी वैल्यू नहीं, ठीक है ना, जस्ट एक सिंबल है जो ये डिनोट करता है कि ये एक बहुत दूर की वैल्यू है जिसके बारे में हम नहीं जानते, ठीक है ना। ओके, इट इज जस्ट अ सिंबल, ये कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे है ना इंफिनिटी को एज ए वैल्यू लेके चलते हैं, इंफिनिटी वैल्यू नहीं है, जस्ट अ सिंबल है। और हमें यहां पर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है दैट इज 9x² + 6x - 5, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, सबसे पहले तो हमें इसे इन्वर्टिबल शो करना है, विद एफ इनवर्स equals to f inverse y equals to root y plus 6 minus 1 upon में 3। चलिए इसको invertible कर लेते हैं, तो इतनी बड़ी मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता तो इतनी बड़ी दिक्कत आनी चाहिए हमें। चलिए पहले चेक कर लेते हैं, तो मैं यहां पर देख लेता हूं, सबसे पहले मुझे फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो है r पॉजिटिव से माइनस 5 टू इन्फिनिटी, और दैट इज गिवन बाय, और मुझे फंक्शन जो गिवन है बेटा, फंक्शन है मेरा 9x² + 6x - 5। सबसे पहले इसकी इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, इंजेक्टिविटी, अब इंजेक्टिविटी चेक कैसे करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेंगे, आर पॉजिटिव और such that f a equals to f b, और ये क्या इंप्लाई कर रहा है हमसे, सीधी सीधी बात है, ये हो जाएगा 9a² + 6a - 5 equals to 9b² + 6b - 5, ठीक है बेटा, गलत तो नहीं है ना। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए सीधी सी बात है, 5 तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, 9a² - 9b² + 6a - 6b = 0, 9 कॉमन ले लिया बेटा तो a² - b², यहां पर 6 कॉमन ले लिया तो a - b = 0। अब अगर मैं देखूं तो मैं इसको a - b और a + b लिख सकता हूं बेटा, +6a - b, ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो अगर यहां पर आप देखते हो तो a - b कॉमन आ जाता है और ये बचता है 9a + b + 6a - 6b, और ये आ जाएगा = 0, ठीक है, क्योंकि इसने हमें पहले ही कुछ भाई कहा है, और वो कहा क्या है वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। उसने हमसे कहा है कि हमें इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, इन्वर्टिबल है। So, इसको ले लेते हैं a - b = 0, तो a = b आ गया, हम क्या कह सकते हैं, सो f इज 1, यानी f एक 1-1 फंक्शन है, ठीक है बेटा, डन। अब हम इसकी सब्जेक्टिविटी चेक करेंगे, चलिए सब्जेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, सब्जेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी के लिए चेक करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया भी है, लेट करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा, कोडोमेन से, एंड x बिलोंग्स टू डोमेन, सच दैट, और कंडीशन क्या रहेगी, fx = y। अब नाउ 9x² + 6x - 5 = y
और जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आता है 9x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू y प्लस 5। ठीक है बेटा, ओके, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब अगर यहां पर इस चीज को सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मुद्दा है। ठीक है ना, तो चलिए प्रयास तो कर ही सकती। तो मैं इसको 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस वाई और माइनस 5 इक्वल टू 0 और 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस और y प्लस 5। आप लोगों को ध्यान होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालता हूं, याद है कुछ? वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2। इससे अगर मैं वैल्यू निकालू तो माइनस 6 प्लस माइनस बी हो गया यानी 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 और ये माइनस माइनस वाई प्लस 5। ठीक है बेटा, और ये अपॉन में आ जाएगा आपका क्या आएगा याद करो 2a, तो 2 इंटू 9। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस ये आ रहा है बेटा 36 माइनस माइनस यानी प्लस 36 और y प्लस 5। ठीक है बेटा, और 9 टू जा 18। अगर ध्यान से देखो इसमें से 6 कॉमन नहीं आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 6 और 1 प्लस y प्लस 5 और अपॉन में कितना आ रहा है बेटा 18। ठीक है ना, तो x कितना आ जाएगा, 6 कॉमन ले लो, श्योर है ना, चलो तो 6 कॉमन ले लो भाई, ये आ जाएगा माइनस 1 और प्लस माइनस और रूट के अंदर y प्लस 6 और अपॉन में 18 और 6 चीजा 18। तो x की वैल्यू को हम सम अगर भाई लिखना चाहें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो दो वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, कौन कौन सी, एक माइनस 1 प्लस माइनस y प्लस 6 अपॉन में 18। बट आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को कंडीशन पहले ही बताई थी कि हमें इस फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना, क्या करना है, इन्वर्टिबल प्रूव करना। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको इसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो आप ये दो वैल्यू नहीं लेके चल सकते। ठीक है ना, देखो अगर हमसे वो कहता है कि भाई चेक करो, एक अलग कंडीशन है, बट उसने कहा है शो दैट, यानी हमें इसे प्रूव करना ही करना है, तब हम x की केवल एक वैल्यू लेके चलेंगे और वो भी पॉजिटिव वाली, यानी माइनस 1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन में 3। ठीक है बेटा, तो ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको पता ही है इस वैल्यू को हमें क्या करना होता है, आगे पुट करना होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब आप यहां पर f माइनस 1 रूट के अंदर y प्लस 6 अपॉन में 3 को आपको बस जस्ट सॉल्व करना, हालांकि इतना अंदाजा आपको लग चुका होगा और यहां पर आ जाएगा आपका y 6 माइनस 1 और रूट के अंदर y प्लस 6 अपॉन 3। ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा आपका इसके साथ था मेरा माइनस का 5। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर दे आपकी वैल्यू y आएगी, मैं कंफर्म आपको गारंटी देता हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा y, और अगर ये y आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा f is on to, और जब f is on to हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यही आ रही है ना, ये वैल्यू आ रही है ना, ये वाली। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी आपका, इनवर्स कहलाएगी, यही हमें प्रूव करना, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे इसको। ठीक है, चलो चलिए मैं इसको कर ही देता हूं आप लोगों के लिए।
इसको थोड़ा सा मुझे इधर खिसकाना पड़ेगा, ठीक है चलो इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसकी स्क्वायर अगर मैं खोलता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा भाई माइनस वन की स्क्वायर प्लस रूट वाई प्लस सिक्स की स्क्वायर और माइनस टू इंटू वन इंटू रूट के अंदर वाई प्लस सिक्स। ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर रूट पूरे पे बेटा, ठीक है। और थ्री की स्क्वायर नाइन तो आ चुका है। अगेन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सिक्स से तो हम यहां पर कैंसिल कर लेते हैं, थ्री टू सिक्स, ये ध्यान रखिएगा यहां पर माइनस है, ठीक है ना, सॉरी प्लस है यहां पर, ये साइन प्लस है। तो सिक्स की जगह पर मेरा आ जाएगा टू और ये आ जाएगा वाई प्लस सिक्स माइनस वन और ये आ जाएगा माइनस का फाइव। अब नाइन से नाइन तो बेटा ये हो चुका है कैंसिल, अब यहां बचता है वन प्लस वाई प्लस सिक्स माइनस टू रूट के अंदर वाई प्लस सिक्स प्लस टू रूट के अंदर वाई प्लस सिक्स और माइनस टू, देखिए और माइनस का फाइव, ये इससे कैंसिल हो चुका है, ठीक है। छह और एक सात यानी वाई प्लस सेवन माइनस सेवन, तो ये कितना आ चुका है बेटा, देखा जाए वाई आ चुका है, ये हमें करना था। तो फंक्शन इज क्या हो गया, एफ इज ऑन टू, ठीक है। अगर एफ इज ऑन टू हो चुका है तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज इनवर्टिबल। अगर एफ एक्स इनवर्टिबल है तो चलिए क्या कंडीशन थी याद है कुछ, चलिए भाई एफ एक्स किसके इक्वल्स टू है वाई के, इससे क्या इंप्लाई होता है कि एफ इनवर्स वाई विल बी इक्वल्स टू एक्स, लिख दीजिए करेक्ट करेक्ट। अब क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी याद है कुछ, ध्यान से देखो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी तो वो थी रूट वाई प्लस सिक्स माइनस वन अपॉन में थ्री, ये देखो यहां पर है मेरी वैल्यू, ठीक है ओके दिक्कत ओके। और अगर इसको x वाली कंडीशन में देखा जाए, x वाली कंडीशन में हम इसका सही लिख देंगे x प्लस सिक्स माइनस वन अपॉन में थ्री, समझ आया बेटा क्लियर हो गया। चल ये थोड़ा सा लेंथी था बट इजी है, टफ नहीं। चलिए यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को कंडीशन है लेट एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन शो दैट एफ इज हैज, यहां पर जो एफ को बताया गया है इसमें एफ को यूनिक इनवर्स का नाम दिया है, ठीक है ना। यूनिक इनवर्स का मतलब क्या है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है किसी भी फंक्शन का केवल और केवल एक ही इनवर्स होता है, दो चार इनवर्स होते नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमें ये प्रूव करके दिखाना है एक्चुअल। तो इस चीज को मैं करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा फंडा याद दिलाता हूं, शायद आप लोगों को याद हो इनवर्स में मैंने सिखाया भी था कि अगर मान के चलिए लेट एफ इनवर्स सॉरी एफ सच दैट एफ इज डिफाइंड एज ए फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, एंड एंड जी इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, सच दैट, इस कंडीशन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। तो मैंने आपको बताया था कि जो डॉ इक्वल्स टू यहां पर ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है इनका ध्यान रखना किसके लिए, ए के लिए, एंड फॉर इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन बी, ठीक है ओके ध्यान रहेगा ओके। और तब हम क्या कहेंगे, देन अगर ये कंडीशन है देन एफ इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एन इनवर्टिबल फंक्शन, यानी इसको आप एक इनवर्टिबल फंक्शन कहेंगे। और जी क्या कहलाएगा, इसका इनवर्स कहलाएगा, सिंपल एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू जी ओके डन। अब इसी कंडीशन को लेते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है ओके। आपको इसमें हिंट भी दिया हुआ है, हालांकि मैंने हिंट नहीं लिखा है, हिंट दे रखा है आप लोगों को जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, बुक के अकॉर्डिंग जो दे रखा है। तो हम इसको प्रयास करते हैं
क्योंकि सबसे पहले अब जो एक्चुअल सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, उसने पहले ही कहा है कि एफ एक्स टू वाई, सॉरी एक्स कैपिटल वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि एफ वन वन और ऑन टू दोनों होगा, ठीक है ओके। अब लेट कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें प्रूव ये करना है कि इसका केवल और केवल एक ही इनवर्स है, तो हम ये मान के चलते हैं कि चलिए इसमें एक से ज्यादा इनवर्स है, जो कि हम लेके चल रहे हैं लेट जी वन एंड जी टू बी डी टू इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, तो दिक्कत लेते इसमें नहीं, चलिए। एंड यहां पर हम लेके चल रहे हैं कि जो हमारा वाई है वो वाई से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए कंडीशन क्या बने, कंडीशन बनेगी एफ ओ जी और वाई इक्वल्स टू इन्वर्टिबल ऑफ वाई, ठीक है ना, इक्वल्स टू एफ ओ जी, ये वन के लिए है, ये टू के लिए, ये है। अब आप क्या ये बात सही है, देखो ऊपर ध्यान से, मैंने आप लोगों को बता रखा कि क्या अगर एक भाई एफ ए बी अगर एक फंक्शन है और जी बी ए उसका इन्वर्टिबल है तो जी ओ एफ किसके होगा, आई ए के, और एफ ओ जी किसके होगा, आई बी के। आई बी मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ टू, यहां पर हमने ये तो, यानी दोनों भाई तीनों इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि जी वन भी इसका भाई इन्वर्टिबल फंक्शन है और जी टू भी इसका इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो फोग और जो फोग जी वन और फोग जो जी टू है एक तरह से वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे आइडेंटिटी ऑफ वाई के, ठीक है। और चलिए अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, अब आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ, इसमें कंडीशन आ जाएगी कि एफ जी वन वाई, ठीक है ना, और एफ जी टू वाई, क्योंकि इन्वर्टिबल भाई इसके आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल होते हैं, आपस में भी तो इक्वल है, इनको इक्वल भाई हमने कर लिया है, तो इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, इससे पता चलता है क्योंकि जी वन वाई इक्वल टू जी टू वाई, इसका मतलब ये दोनों ही फंक्शन ही सेम है, यानी इक्वल है, जब ये दोनों ही फंक्शन एक है तो इसका मतलब क्या है, इसका केवल केवल और केवल एक ही इनवर्स है। हैंस लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, एफ हैज यूनिक इनवर्स। देखिए अब बताइए क्वेश्चन समझ में आया ना भाई, हमें ये तो हमें मालूम है कि उसका किसी भी फंक्शन का केवल और केवल एक ही इनवर्स होता है, लेकिन फिर भी इसने हमसे प्रूव करने के लिए बोला, तो हमने उसके मान के चले हैं हम कि दो हमने उसके इनवर्स फंक्शन ले लिए हैं जीवन और जी टू, क्योंकि वो जो क्राइटेरिया मैंने स्टार्टिंग में लिखा है दैट इज मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए कि अगर दो भाई एफ एक फंक्शन है और जी उसका इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो या तो आप ये लिखो कि गॉफ इक्वल्स टू आई ए या फिर फॉग इक्वल्स टू आई बी, ये क्या होगा भाई, ये उसके इन्वर्टिबल को शो करेगा कि अगर ये आइडेंटिटी ए या बी के इक्वल है, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब आई फोर आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है समझ में आई बात। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ कहा गया है, इसने कहा कंसीडर एफ एक फंक्शन है बेटा, वो दिखा रखा है 1 2 3 से एबीसी के लिए है, और हमें बताया गया एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू बी एफ थ्री इक्वल टू सी, फाइंड एफ इनवर्स एंड शो दैट एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा एफ। चलिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, अगर मेरा जो फंक्शन है जो कि जा रहा है 1 2 3 से, इसके लिए जा रहा है बेटा एबीसी, ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन बनेगा दैट विल बी क्या बनेगा, यहां से देखो 1 पर वैल्यू a, ऊपर b और 3 पर कितनी दिखा रखते हैं c, इसका मतलब 1 पर a, 2 पर b और 3 पर c, ठीक है, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मुझको निकालना क्या है, क्योंकि उसने पहले कहा है कि मुझे इनवर्स निकालना है,
इसका मतलब अब आप मुझे बताइए क्या ये हम चेक करेंगे ना, पहले इसकी बाइसेक्टिविटी चेक करेंगे। अब बाइसेक्टिविटी चेक करने के लिए देखते हैं वन वन है या नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि भाई इसके जो तीनों एलिमेंट का केवल और केवल एक एक एलिमेंट के साथ ही बन रहा है, तो दैट मीन्स क्या है, एफ इज वन वन, यानी एफ वन वन। अब ओन टू की कंडीशन लेते हैं, देखिए ए बी सी भी, भाई ए बी सी जो तीनों एलिमेंट है इनका कोई ना कोई प्रीमेज बन रही है एंड ऑन, सो एफ इज क्या कहेंगे, रिवर्टिबल फंक्शन। एफ क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन, समझ में आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगर एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है तो अब हम इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। एफ इन्वर्स क्या हो, देखिए एफ इन्वर्स सिंपल सी बात है, इसको उल्टा ही तो करना होता है, याद आया, ए वन बी टू और सी थ्री, ये हो गया आपका इसका इन्वर्टिबल फंक्शन है इन्वर्स, ठीक है। अच्छा अब हमसे क्या कह रहा है वो, एफ इन्वर्स का इन्वर्स, तो इसमें तो खैर कोई दिक्कत है नहीं, क्या जाएगा वन ए टू बी और थ्री सी, और ये किसके इक्वल है, ये एफ के इक्वल है। देखिए आपका जो एफ वाला जो ये वाला फंक्शन है और ये फंक्शन सेम आ गए, लीजिए ये भी हमारा प्रूव हो गया, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लेट एफ एक फंक्शन है बेटा और ये फंक्शन डिफाइन है एक्स टू वाई, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज, ये हमें कुछ समथिंग प्रूव करना है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, दिया क्या है, दिया है हमें सिंस एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स बी टू इज इनवर्स ऑफ एफ, तो चलो चेक कर लेते हैं, तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर अब हमारा आ जाता है, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है एक्स टू वाई, ठीक है, और ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, इन्वर्टिबल, और एफ इनवर्स जो होगा वो कैसे होगा, अगर सी बात है वो वाई टू एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि एफ इनवर्स ऑफ इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन, समझ रहे हो ना, यहां पर एक्स का वाई के साथ जो निकाल रहे हैं कंडीशन उसके लिए, ठीक है, ओके समझ में आई बात, ओके। चलिए या कंडीशन दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स टू हो सकता है आई बी के साथ, इसके हिसाब से देखो। अब यहां पे देखो पहले क्या है, ये आया है, तो सबसे पहले क्या लिया गया यहाँ पे इन्होंने, इसको आप मेरे हिसाब से ए बी की जगह एक्स वाई, चलो पर खैर हमने ए बी से इसको डिनोट कर लिया था, मेरे हिसाब से ए बी नहीं आना चाहिए यहाँ पर एक्स, मैंने गलती से लिख दिया वो ए बी लिखते हुए हैबिट्स ही हो गया ए बी, ठीक है, ओके। तो अब क्या कह सकते हैं, अब इससे ये क्लियर हो रहा है कि एफ क्या है, इनवर्स है इसका, एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एफ, और इससे ये कंफर्म होता है कि एफ का बस और कुछ भी नहीं देखा इसमें, ठीक है। सिंपल अगर आप ध्यान से भी पढ़ोगे तो इन्होंने यही बताया है कि एक्स वाई एफ एक्स वाई भी एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और शो दैट एफ इनवर्स इज, ये जो दिखाया गया है ना ये इज एफ, इन्होंने कहा एफ इनवर्स इज एफ, यानी ये आपको ये बता रहा है कि हमें ये बताना है कि एफ का जो एफ इनवर्स होगा एफ का वो क्या होगा, वो एफ इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो एफ होगा, ये हमसे कहा गया है। नहीं ध्यान आ रहा तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, ठीक है ना, इसका मतलब यही तो हुआ, यही तो कह रहा है वो, ये चीज, ठीक है, ओके बस यही आपको प्रूव करना था, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, समझ में आ भी गया होगा आप लोगों को। चलिए इसमें कहा गया है हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है आर टू आर,
और एफ एक्स है 3 माइनस एक्स की क्यूब की पावर 1/3, देन एफ ओ एफ एक्स इज, यानी हमें यहां पर एफ ओ एफ एक्स निकालना है। तो चलिए कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। फंक्शन मेरा डिफाइन हो रहा है आर टू आर और सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स की क्यूब और 1/3, डन। चलिए अब इसने मुझसे जो डिमांड की है ना वो एक जगह देख लेते हैं। भैया जी ने हमसे पूछा है कि भैया ये निकाल के दिखाओ। चलो तो भैया इसका मतलब ये हमसे कह रहे हैं और इसको करने के लिए हमें करना पड़ेगा 3 माइनस और यहां पर रखना पड़ेगा हमें 3 माइनस एक्स की क्यूब की पावर 1/3 और यहां पर ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, सॉरी ये पावर है बेटा, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं और इसकी पावर 12, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ये जो पावर 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है 3 माइनस 3 माइनस और थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और ये प्लस में आ जाएगा एक्स की क्यूब, तो ये आ रहा है हमारा, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ हमने गलत लिख दिया, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी है। एफ एफ एक्स अगर मैं लिखूंगा तो मैं सिंपल लिखूंगा सबसे पहले 3 माइनस और यहां पर लिखूंगा मैं 3 माइनस एक्स की क्यूब और इसकी पावर 1/3, ये तो मैंने लिखा एक्स की जगह और इसकी फिर मैंने पावर कर दी 3 और इसकी होल पावर कर दी फिर मैंने 1/3, यही था यही इशू आ रहा था। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा कुछ छूट गया मिस हो गया, नहीं तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर मैं इसको देखता हूं इससे इसको तो ये इससे नहीं सॉरी ये इससे कैंसिल, तो मेरी कंडीशन बनती है 3 फिर माइनस 3 प्लस एक्स की क्यूब और इसकी होल पावर 1/3। अब ये क्या बनता है एक्स की क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया दैट इज एक्स, ठीक है। देखिए अपने आप ही है ना आइडिया हो जाता है जब आप क्वेश्चन जैसे मैं अभी कर रहा था ना, तो मुझे यहाँ क्वेश्चन को देखते ही कुछ आइडिया हो गया, मैंने कहा कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ये तभी आप आता है, वैसे नहीं आता कि आप ये सोचो कि वैसे ही आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। तो आपका इसका आंसर हमारा क्या है सी पार्ट, ओके। चलिए चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा वो कह रहा है लेट एफ, हमारा एक फंक्शन दिखा रखा है, डिफाइन कर रखा है कि वो आर माइनस माइनस 4/3 से आर के लिए एक फंक्शन है डिफाइंड एज दिस, द इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी रेंज दिस गिवन बाय, वही सीधी सी बात है। अगर आप इसका इनवर्स निकालना चाहो सिंपल वो कैसे निकालोगे, चलिए निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो हम एफ एक्स इक्वल्स टू हमें दिखा रखा है 4x इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ज्यादा समय ना लेते हुए हम इसको किसके इक्वल रखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, देन 4x इक्वल्स टू 3x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, फिर जाएगा 4x इक्वल्स टू 3x वाई प्लस 4y, ठीक है जी, ओके। अब हम कर देते हैं 4x इक्वल्स टू 4y माइनस 3x वाई, तो 4x इक्वल्स टू y कॉमन हो गया 4 माइनस 3x, ऐसे करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, नहीं नॉट बेटर ये नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। x नाउ 4 प्लस 3y इट इज बेटर, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 4y इक्वल्स टू 4 प्लस 3, ठीक है ये हमारा आ गया है। और इसकी जगह पर आप लोगों को बताइए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स y इक्वल्स टू 4y और 4 प्लस 3y, तो देख लेते हैं यहीं लिखा रखा है 4, इसके हिसाब से कुछ गड़बड़ भी नहीं है पक्का ना कंफर्म, ये प्लस था ये गड़बड़ हुई,
क्योंकि यहाँ सब में माइनस आ रहा था, मुझे लगा मैंने कहा शायद कोई साइन गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना। और ये गड़बड़ भी कहां से हुई, देखिए यहां से हुई, ध्यान से भी देखा ये प्लस यहां लगता है, ठीक है। चलो ओके, ये आपका हो चुका है 4 बाय अपॉन में 4 माइनस 2 बाय, तो ये आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा ये आपकी जो एक्सरसाइज है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और इससे आगे की एक्सरसाइज भी आप लोगों को नहीं करनी है, ओके। नाउ आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रहेगा। अब हम जो आपका जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपकी सेकंड चैप्टर से रिलेटेड होगी, ठीक है, मे बी उसका इंट्रोडक्शन हो, तो आप तब तक के लिए वेट कीजिएगा, ओके। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स उनके साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।